सो एज ऑलवेज मार्वल के दिन और खराब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जोनाथन मेजर्स के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगे थे और अब ऐसा हो सकता है कि मार्वल को उनको रिकास्ट करना पड़े एज कैंग द कॉन्करर। ये सिचुएशन मार्वल के लिए काफी खराब सिचुएशन था, पर अब मार्वल के पास ऐसा एक और सिचुएशन आ गया है जहाँ पे मार्वल के एक और विलेन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगे हैं। निमोर के एक्टर टेनोक हुरेटा के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट को लेके। अभी कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ है और अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ है अगेंस्ट टेनोक हुरेटा और उनके ऊपर कोई FIR भी फाइल अभी तक नहीं की गई है और अभी तक उनके ऊपर सिर्फ एलिगेशन लग रहे हैं। पर ये सिचुएशन भी मार्वल के लिए काफी खराब सिचुएशन हो सकती है क्योंकि अगर मार्वल नेमोर को भी लूज कर देता है अपनी फ्यूचर मूवीज के लिए तो मार्वल बिल्कुल भी खुश नहीं होगा क्योंकि नेमर मार्वल के अंदर वन ऑफ द फर्स्ट म्यूटेंट्स में से एक था और मार्वल अपने म्यूटेंट साल को नेमर और मिस मार्वल के थ्रू ही सेटअप करने वाली थी। म्यूटेंट्स का एमसीयू में आना एक काफी बड़ा डील है और मल्टीवर्स ऑफ सागा के थ्रू मार्वल म्यूटेंट्स को ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना चाहती है और नेमर और मिस मार्वल म्यूटेंट सागा के कुछ पहले म्यूटेंट्स होने वाले थे। पर अब अगर नेमर को लेके ऐसी न्यूज आ रही है तो नेमर के अपीयरेंसेस को मार्वल को कम करना पड़ेगा अपने अपकमिंग मूवीज के अंदर। अभी रिसेंटली ऐसी भी न्यूज निकल के आ रही थी कि नेमर हमें कैंग डायनेस्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है और नेमर एवेंजर्स का पार्ट बन सकता है टू फाइट अगेंस्ट कैंग। पर अब मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों एक्टर्स मार्वल के पार्ट ना रहे इन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। सो मार्वल को भी काफी सारे हेडेक्स के साथ डील करना पड़ रहा है। ये हेडेक कैंग जितना बड़ा हेडेक नहीं है क्योंकि मार्वल डेफिनेटली नेमर को इग्नोर कर सकता है अपनी फ्यूचर मूवीज के अंदर। वैसे भी अटलांटिस को एमसीयू के अंदर बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया था अंटिल वकांडा फॉरएवर। सो अटलांटिस को मार्वल आगे भी इग्नोर कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो जोनाथन मेजर्स और कैंग का सिचुएशन है वो मार्वल के लिए काफी खराब है क्योंकि कैंग के ऊपर मल्टीवर्स सागा पूरी डिपेंड होती है। जोनाथन मेजर्स और कैंग की रीसेंट सिचुएशन के ऊपर आपको मेरे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हो अगर आपको जोनाथन मेजर्स की कोर्ट केस के बारे में सब कुछ जानना है तो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।